सिंपल आप लोगों को इनकम टैक्स का ऑफिशियल वेबसाइट पे विज़िट करना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट लिंक मिल जाएगा डायरेक्ट आप वहाँ पे क्लिक करके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं आपके सामने ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा तो आप देख सकते हैं आपको ऊपर साइड में आपको आधार लिंक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है तो वहाँ पर आपको क्लिक नहीं करना है सबसे पहले आपको होम पेज पर यहाँ पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है स्क्रॉल डाउन करने के बाद सबसे पहले आप लोगों को ये आपको चेक करना है जो हमारे पास आधार कार्ड से पेन कार्ड लिंक करना है जो पेन कार्ड हमारा एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वेरीफाई योर पेन पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लोडिंग लेगा थोड़ा बहुत सर्वर की इशू चल रहा है तो थोड़ा टाइम ले सकता है तो यहाँ पर आप लोगों को पेन कार्ड नंबर डालना है इसके बाद सेकेंड नंबर में आपको जो आधार कार्ड में नाम है वो नाम टाइप करना है थर्ड नंबर में आप लोगों को यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है फोर्थ नंबर में आप लोगों को यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप करना है इसके बाद फिल करने के बाद सिंपल आप लोगों को कंटिन्यू पे क्लिक करना है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिटेल्स फिल करते हैं इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं क्योंकि इस टाइम जो है आधार कार्ड से पेन कार्ड लिंक करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पे आधार कार्ड से पेन कार्ड लिंक करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है और सर्वर अनवाइलेट की प्रॉब्लम तो ज़्यादा देखने को मिल रहा है यदि इस तरह की प्रॉब्लम आता है तो आप लोगों को क्या करना है ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं और ये प्रॉब्लम आखिर में आ क्यों रहा है तो इसका भी रीजन के बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर मोबाइल नंबर सही करते हैं इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल फ़ोन पर एक ओ आएगा तो फटाफट सबसे पहले मैं यहाँ पर ओ टी फिल कर लेते हैं ओ फिल करने के बाद वाइलेट पे क्लिक करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पेन इज एक्टिव तो यहाँ से आप लोग ये पता लगाना है तो हमारा पेन कार्ड है एक्टिव है या इनएक्टिव है यदि एक्टिव है तो आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है तो गो टू टू तो गो टू होम पेज पे आना है इसके बाद सेकेंड नंबर में हमें यहाँ पे ये चेक करना है लिंक आधार स्टेटस जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पे पेन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर डालना है इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है तो मैं सबसे पहले पेन नंबर टाइप करते हैं इसके बाद आधार नंबर टाइप कर लेते हैं आधार स्टेटस यहाँ पे आपको क्लिक करना है तो देख सकते हैं यहाँ पे सर्वर अनवाइलेट ये प्रॉब्लम काफ़ी लोगों के साथ हो रहा है जिसकी वजह से काफ़ी लोग यहाँ पे आधार कार्ड पेन कार्ड से लिंक नहीं कर पा रहा है तो आप लोगों को यदि इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो क्या करना है सर्वर पर ज़्यादा लोड होने की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है तो सबसे पहले आप लोगों को हिस्ट्री को डिलीट कर लेना है हिस्ट्री को डिलीट करने के बाद फिर से आपको री करना है अगर एक से दो बार ट्राई करते हैं फिर भी आपको सेम प्रॉब्लम देखने को मिलता है तो आप लोगों के लिए यहाँ पे कुछ टाइम के लिए वेट करना है क्योंकि सर्वर पे इस टाइम काफ़ी ज़्यादा लोड हो चुका है इसकी वजह से सर्वर अनवाइलट की प्रॉब्लम काफ़ी लोगों के साथ देखने को मिल रहा है एक्चुअली में हो क्या रहा है या फिर एक रीज़न और भी हो सकता है जब इससे पहले आप लोगों ने इनकम टैक्स का ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने के बाद फाइनल पेमेंट तक गए होंगे और पेमेंट आपने नहीं किए होंगे और इसके बाद पेज जो है आपने क्रॉच कर दिए होंगे तो इसकी वजह से भी ये सब प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है तो ज़्यादातर यहाँ पे सर्वर की इशू हो सकता है तो यहाँ पे आप कोशिश कीजिए क्योंकि नाइट के टाइम में आप लोग सर्वर पे लोड कम रहेगा तो उस टाइम आप ट्राई कर सकते हैं और इसके बाद आधार कार्ड से पेन कार्ड लिंक कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं हम फिर से ट्राई करने की कोशिश की है फिर से हमें सेम प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है तो ये प्रॉब्लम भी काफ़ी लोगों के साथ हो रहा है क्योंकि आप लोगों को पता होगा पता होगा मार्च तक इसका लास्ट डेट है इस डेट के अंदर में ही काफी लोग यहाँ पे आधार कार्ड से पेन कार्ड लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है तो आप